हेलो भाइयों, कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब के लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा कुछ बताने वाला हूँ कि जैसे भाइयों, ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे हम अपना आईडी किसी दोस्त को दे देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो वो हमारा आईडी हैक कर लेता है। तो उससे ही जुड़ी बात हम बताने जा रहे हैं। तो बताए क्या, हम चलो आप डिस्प्ले पे चलते हैं, वो आपको करके दिखाते हैं, ठीक है? तो ये एक हो गया है मेरा, ये देखिए, ये है, ठीक है, ये मेरा लॉगिन है, ठीक। और इसी नंबर से देखो मैं दिखा दे रहा हूँ नंबर भी, ठीक है दोस्तों। देखिए ये देवा इतना ना, हाँ, तो ठीक है, ये यही एक और अकाउंट हम लॉगिन कर रहे हैं, देखिए। हाँ दोस्त, देखिए 39 वाले में कर रहे हैं, ठीक है, यही अकाउंट एक और लॉगिन कर रहे हैं आप सबके सामने, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंकुश भाई तुमने ये फेक वीडियो बनाया, फिर ऐसा मतलब नहीं जी भाई। तो हम लॉगिन कर रहे हैं, ये आ रहा है, ठीक है। तो मैसेज पे जाते हैं, वेरीफाई नंबर करते हैं, अपना नंबर डालते हैं, ठीक है। जी तो वेरीफाई कर देते हैं, ओटीपी कवरेट है। तो भाई हाँ, ये देखो ओटीपी आ गया है। तो हम 52 49 21, तो नंबर वेरीफाई हो गया है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये भी वही है, देखिए सेम है भाइयों। देखो ये इसमें भी 3 पोस्ट है और इस पे भी 3 पोस्ट है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे अब मैं दे दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा दूसरा वाला आईडी अपने दोस्त को दे दिया, और मुझे लगता है कि मेरा आईडी चेंज कर देगा या मेरा आईडी क्या हैक कर लेगा, ठीक है, आईडी नंबर बदल देगा। तो हम क्या करेंगे, अपने से इधर से 3 इस पर क्लिक करेंगे ऊपर, और अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद हम डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है ना नीचे, डिलीट अकाउंट, ठीक है, डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ करने के बाद ये नंबर हमारा पहले से है, तो इस पर एग्री ऑफ वेरीफाई नंबर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ओटीपी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो वेट करते हैं ओटीपी आने का। हाँ तो दोस्तों ओटीपी आ गया है, 280371। जी तो दोस्तों ऐसा आ जाता है। तो फिर हमको यहाँ अपना नंबर डालना पड़ता है, जिस नंबर से, ठीक है, वो नंबर डाल देता हूँ, और कोई एक ईमेल डाल दो, जो कोई एक, ठीक है। तो हम एक ईमेल डाल देते हैं अपना, जी। तो ये हो गया, और यहाँ रीजन में आप NA लिख सकते हैं, NA, ठीक है। तो और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे, सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आईडी जो है वो सक्सेसफुली क्या डिलीट हो गया। देखो यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए इस पर कोई आईडी नहीं रही है, ये नंबर मांग रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये भी आईडी हमारी क्या हो गई, डिलीट हो गई ऑटोमेटिक, देख लीजिए। यहाँ भी ये भी हमारा क्या नंबर मांग रहा है दोस्तों, देखो यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, ये भी मेरा नंबर मांग रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपका कोई भी आईडी ले लेता है, और आपको लग रहा है कि जैसे वो चेंज कर देगा हमारा आईडी, तो आप यही तरीका आजमा के अपना आईडी बचा सकते हैं। और फिर देखिए जैसे अभी ये हमने डिलीट कर दिया, अब इसको रिकवर करना है, तो हम अपना नंबर डाल देते हैं, और ओटीपी के लिए कर देते हैं, ओटीपी आने तक वेट करते हैं। ओटीपी आ गया है, तो हम OTP डालते हैं 70 75 94, ठीक है। तो OTP गलत था, तो 70 75
70 ओह मैं तो गलत डाल दिया हूँ, 70 75 और 94 94। तो OTP फेल अभी बता रहे हैं दोस्तों, तो ठीक है हम रिसेंड कर देंगे दोबारा OTP के लिए। अभी आ गया फिर वही 70 75 94। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही करके हम अपना आईडी बचा सकते हैं। और फिर अभी अभी कुछ समय बाद लॉगिन होगा, तो आप सब लोग लॉगिन करिएगा तो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने 3 बार कर दिया है ना, 3 बार करने के बाद OTP भी फेल कर देता है, तो OTP नहीं आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आसानी विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आएगा, तो भाई एक अच्छा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ठीक है भाई। आपका जितना सहयोग मिलेगा मैं उतना ही अच्छा वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए। अभी तक के लिए धन्यवाद भाई। और आप सबको जैसे क्लोन चाहिए तो भाई आप हमसे क्लोन ले सकते हैं, देख लीजिए इतना, ठीक है मेरे पास सब क्लोन ही है, एक क्लोनर भी मिल जाएगा दोस्तों आप सबको। ठीक है, बाय बाय।